दोस्तों साल 1969 में आई फिल्म नूरी तो आप सभी ने देखी ही होगी, जिसमें अभिनेता फारूक शेख और मदन पुरी जैसे कई दमदार कलाकार अभिनय करते हुए नजर आए थे। तो वहीं इस फिल्म में नूरी नाबी के किरदार को निभाती हुई नजर आई अभिनेत्री ने भी अपने दमदार एक्टिंग, अदायगी और अपने डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों को दीवाना बना दिया था। तभी तो दर्शक आज भी नूरी के किरदार को निभाने वाली अभिनेत्री को भुला नहीं पाए हैं। लेकिन दोस्तों इस फिल्म को रिलीज हुए आज पूरे 42 साल हो चुके हैं और फिल्म में नूरी के किरदार को निभाने वाली ये अभिनेत्री आज साल 2022 में कहाँ हैं, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इस अभिनेत्री के आज के हालातों से ही रूबरू करवाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और रूबरू होते हैं इस अभिनेत्री से। पर उससे पहले आप अपनी फेवरेट फिल्म नूरी के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नूरी फिल्म में नूरी नाबी के किरदार को निभाने वाली अभिनेत्री का रियल नेम पूनम ढिल्लो है, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1962 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं से कम्प्लीट की है। वहीं अगर बात करें अभिनेत्री पूनम ढिल्लो के एक्टिंग करियर के बारे में, तो इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1978 में आई फिल्म त्रिशूल से की थी, जिसमें इनके अभिनय प्रदर्शन को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था, जिसके बाद इन्हें कई और फिल्म में काम करने का मौका मिला, जैसे ये वादा रहा, पूनम और तेरी कसम। इस तरह की कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी अहम भूमिका निभाकर इन्होंने दर्शकों से खूब तारीफें भी बटोरी हैं, जिसके चलते आज ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। लेकिन आपको बता दें नूरी फिल्म में नूरी नाबी के किरदार को निभाने वाली ये अभिनेत्री आज साल 2022 में काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं। जी हाँ, शायद आप पहली नज़र में इन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। फिल्म में अभिनेत्री पूनम ढिल्लो कश्मीरी ड्रेस को कैरी करते हुए, साथ ही ज्वेलरी कैरी करते हुए बेहद सिंपल और खूबसूरत नजर आई थी। तो वहीं आज ये एक्ट्रेस ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न ड्रेसेस को कैरी करती हैं, जिसमें ये बेहद खूबसूरत नज़र आती हैं। पर बता दें कि आज इन्होंने अपनी 59 साल की उम्र पूरी कर ली है, जिसके चलते इनके चेहरे पर बढ़ती उम्र की वजह से पहले जैसा ग्लो दिखाई नहीं देता है। साथ ही इनके चेहरे पर रैसेस देखने को मिलते हैं, पर इसके बावजूद भी आज ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं। इसी के साथ बात करें आज ये क्या कर रही हैं, तो बता दें कि इन्होंने साल 1998 में फिल्म प्रोड्यूसर अशोक ठकारिया से शादी रचा ली थी, जिनसे आज इनका बेटा अनमोल कठारिया और बेटी पैलोमा ठकारिया हैं, जिनसे वो बेहद प्यार करती हैं। पर आपको बता दें कि ये साल 1997 में अपने पति से डिवोर्स ले चुकी हैं, जिसके बाद से ही अपने बच्चों की परवरिश अकेले ही कर रही हैं और अभी अपने बच्चों के साथ अपने खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। इसी के साथ बता दें कि पिछले 2 साल से एक्टिंग की दुनिया से कोसों दूर हैं और आखिरी बार ये साल 2020 में जय मम्मी दी फिल्म में नजर आई थी। तो दोस्तों आप नूरी फिल्म की अभिनेत्री पूनम ढिल्लो के आज के हालात के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।